विलेज हाथों सर्वे पर और इस समय हम इधर फील्ड में जा रहे हैं जहाँ पर हमारे किसान भाई इस समय उड़ान कर रहे हैं सुबह का। और चलिए आपको ले चलते हैं फील्ड की ओर और देखते हैं वहाँ पे कैसा काम हो रहा है। समय हम खीरे के खेत में, आप पीछे देखते हैं खीरे लगे हुए हैं बहुत सारे और ये किसान की मेहनत को दर्शाते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है ये खीरे लगाने के लिए, ये बेलों से लगे हुए हैं। और ये देखिए पूरा आप देख सकते हैं पीछे मेरा जितना भी है यहाँ पर स्ट्रक्चर जो खड़ा किया है स्पेशली। और आप देख सकते हैं नीचे भी लगे हुए हैं थोड़े बहुत और वहाँ से नीचे आपको सारी जगह खेती ही खेती दिखेगी। और हमारे किसान भाइयों को बहुत ही समस्याओं से जूझना पड़ती है सब। और जो प्रमुख बीमारियां जैसे ब्लाइट आता है हमारा और ली स्पॉट्स आते हैं, कहीं रूट रॉट होता है और भी जैसे हमारे माइट अटैक, थ्रिप्स अटैक, बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। और तकरीबन हमारी जितनी भी ये दवाइयाँ हैं इन पर बहुत खर्चा आता है। पीछे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हमारा इस, ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को तो नहीं मिल रहा बट फिर भी है यहाँ पर अटैक है काफ़ी फंगल और जितने भी हमारे इंसेक्ट डिजीज का। तो ये किसान भाई शम्मी भाई और आप देख सकते हैं समय ये खेत पर हैं और ये कम से कम सुबह 6 बजे से हैं। और यहाँ देख सकते हैं देखिए इंटरक्रॉपिंग की एक मिसाल आपको, इस पर बरसातें चली और साथ में इन्होंने क्या क्या लगाया आपने यहाँ पर सर? मक्की है और मक्की और खीरा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इनोवेशन है और देखिए पूरा इस्तेमाल किया है इस फील्ड को। और तकरीबन यहाँ बरसात है, यहाँ बरसात भी कम होती है फिर भी इन्होंने देखिए बीच में इंटरक्रॉपिंग की, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। शेड के अंदर हैं, बाहर बारिश लगी हुई है और इस शेड के अंदर देखिए जितना भी उड़ान हमारे किसान भाई लाते हैं वो यहाँ पर लाते हैं। ये देखिए मेरे पीछे ये टमाटर पड़ा हुआ है और ये रहे शमी भाई जो सुबह से लगे हुए हैं और अब वो ग्रेडिंग कर रहे हैं। आप तो सर आप ग्रेडिंग कैसे करते हैं इसमें बताइएंगे थोड़ा? मैंने ग्रेडिंग टमाटर के हिसाब से है। अच्छा टमाटर ठीक है तो इसमें ज़्यादा। तो इस बार टमाटर का कैसा रहा आपके लिए पूरा जितना भी है, ये कौन सी वैरायटी लगाई आपने? 70-11 है। 70-11 वैरायटी लगाई हुई है और आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर ये जितना भी हमारा ग्रीन पूरा ये स्टेज है मेजोरिटी ग्रीन क्योंकि ये स्टेज काफ़ी अच्छी रहती है फॉर लाइक मार्केटिंग। और बाकी देखिए भर रहे हैं इस समय। और बाकी रेट का क्या चला है सर? रेट तो यही है जी 300-400 रुपये, वही 300-400 रुपये क्योंकि इस बार मौसम की मार भी रही। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल फ्रूट की क्वालिटी भी इतनी नहीं रही इस बार बिकॉज ऑफ दिस वेदर, क्वालिटी नहीं आ रही है यहाँ पे। वैरायटी का नाम है 70-11। इस एरिया में जो कंडा घाट का ब्लॉक है बहुत ज़्यादा लगाई जाती है और आप देख रहे हैं मेरे सामने। और हम देखिए फाइनली पैकिंग कर रहे हैं और आप देखिए ये क्रेट इट्स राउंड अबाउट 25-28 kg। कितना सर कितना आता है? कितना ही आता है। और आप देख सकते हैं ये देखिए प्रॉपरली इस पर ग्रेड हो चुका है और जो देख सकते हैं आप टमाटर का साइज भी इतना बढ़िया है और थोड़ा इसमें रेडिश कलर भी आ गया है तो हमें ये डाल दिया। ड्रम पानी से भरे और ये स्पेशली यूज़ होते हैं फॉर द स्प्रे। और ये देखिए हम यहाँ पानी पी रहे हैं और ये ड्रम घोला जाता है जितना भी हमारा स्प्रे करने के लिए। और ये फील्ड है मेरे पीछे देख सकते हैं आप टोमेटो की, इस समय यहाँ पे उड़ान चला हुआ है। तो सीधा अंदर ले चलते हैं जहाँ पे हमारे शम्मी भाई इसको उड़ान कर रहे हैं हमारे किसान। तो चलिए हम आप सीधा आपको हम अंदर ले चलते हैं फील्ड में जहाँ पर हम उड़ान करेंगे।
हमारे शम्मी भाई, हमारे किसान हाथों से, तो वो हम तुड़ान कर रहे हैं, तो उन्हीं से पूछता हूँ। तो आप तुड़ान कब कब करते हैं शम्मी भाई? हमारा तो डेली जी डेली चलेगा, और ये कल के लिए तुड़ान हो रहा है, जो कल जाएगी गाड़ी यहाँ से, जो पेटियाँ जाएंगी इनकी, जो ये पैक करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप क्वालिटी, और हम ये देखिए ये हमने डाल दिया, और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये देखिए ग्रोथ है इस प्लांट की, और काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं मेरी हाइट से। गाँव के किसान केशव राम जी हैं, तो इन्हीं से पूछते हैं। अंकल जी बताइए, आजकल क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको इस बार खेती में? टमाटर में हमें ज़्यादातर मिर्च में, शिमला मिर्च में ब्लाइट की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी, तो ये काफ़ी। तो इस बार आपने वैरायटी कौन सी लगाई थी वैसे टमाटर की, अगर देखा जाए? टमाटर की वैरायटी हमारे पास लगी हुई है रक्षिता गोल्ड। अच्छा रक्षिता गोल्ड, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई आपको पूरे अभी सीजन में जो भी है? आपने कब लगाया था ये अगेती में? हमने लगाया था 13 अप्रैल। अच्छा जी, तो देख सकते हैं 13 अप्रैल को, और ये देखिए इस समय फील्ड में और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लाइट आया है जैसे कि ये बता रहे हैं। और रेट का क्या रहा सर इस बार? रेट सर बिल्कुल डाउन है अभी तक, 350 और पिछले बार के मुताबिक, अगर आप पिछली बार की तुलना करें तो कितना मिला था? पिछली बार ही तो हमें 1200 रुपये का रेट मिला, 1200 और 600 से 800 तक ये एवरेज बता रहे हैं, और इस समय कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं। और मौसम की मार क्या रही सर? मौसम की मार तो हमें जो अप्रैल से लेकर पड़ रही है वो आज तक पड़ रही है, अप्रैल से लेकर एंड में जा रहे हैं, मौसम की मार अभी तक हमें। और मौसम की मार है सबसे बड़ा, ये देखिए जो मौसम पे डिपेंड रहता है, क्लाइमेट की मार है कुदरती वो सबसे ज्यादा। और रही बात दवाइयों की, आप दवाइयाँ कितना छिड़काव करते हैं सर? दवाई अभी तक का मेरा अपना खर्चा है कुछ 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का खर्चा कर चुके हैं यही टमाटर की खेती पर, कितना खर्चा आ गया। और आप देख सकते हैं दाम नहीं मिल रहे हैं, पर फिर भी देखिए ये डटे हुए हैं, और बारिश में भी, और तुड़ान कर रहे हैं, और यहाँ से सीधा जाते हैं। आप वैसे आप मंडी में कहाँ बेचते हैं? मंडी में हम जलंधर भेज रहे हैं। जलंधर भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ पर, और जलंधर वैसे क्यों बेचते हैं यहाँ का मुख्य किसान? क्योंकि सोलन की मंडी भी है, वहाँ क्यों नहीं भेजा जाता सर? हमें सोलन की मंडी और जलंधर की मंडी में फर्क मिलता है, जलंधर जो है बाहर का लदान है। अच्छा जी, अहमदाबाद जाता है, गुजरात जाता है, शिरडी, तो वहाँ आपको रेट अच्छा मिलने लगा? हाँ रेट अच्छा मिलता है। धन्यवाद जी आपको। और ये देखिए हाथों गांव से हमारे साथ थे हमारे केशव राम जी, और उनका धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमारे को अपना कीमती समय दिया, तो बने रहिए। और ओके बाय। माया मेहता नर्सरी में, और यहाँ पे आपको क्वालिटी के प्लांट्स मिल जाएंगे। जब भी आपने अभी कभी आना हो तो प्लीज़ ज़रूर आइए। और पीछे यहाँ हमारे जो ये ऑनर हैं मेहता अंकल जी, आप देख सकते हैं इस समय फील्ड में हैं, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको क्वालिटी और के पौध मिलेगी। और आजकल सर, आजकल कौन सी पौध बिक रही है? फूल गोभी और ब्रोकली के लिए ज़रूर आएँ। और ये देखिए पीछे, हमेशा ये फील्ड में ही रहते हैं सुबह से शाम, और आजकल बरसात है तो ये ढकने पड़ते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ता है खासकर की। बस ये खोल देंगे थोड़ी देर में क्योंकि बारिश थी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का फर्क होता है। और बाकी आप क्या क्या डालते हैं सर इसमें? गोबर की खाद डालते हैं। बस गोबर की खाद ही डलती है जी। ओके जी, धन्यवाद।